नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। राजस्थान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तेजारा सीट से बीजेपी के विधायक बालक नाथ को अब तक राजस्थान के नए सीएम की रेस में माना जा रहा था। बालक नाथ के समर्थकों में खुशी थी, उनके मठ में भी खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन दिल्ली आने के बाद बालक नाथ ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद एक ट्वीट किया और इस एक ट्वीट ने बालक नाथ के तमाम समर्थकों के अरमानों पर मानो पानी फेरने का काम कर दिया। महंत बालक नाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बालक नाथ का ये ट्वीट समझने के लिए काफी है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि अब वो सीएम की रेस में नहीं है। राजस्थान में जल्द ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने वाली है, जिसे लेकर कई नामों की चर्चा है। दिल्ली में हो रही वरिष्ठ नेताओं की बैठकों के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच बीजेपी ने 3 राज्यों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। राजस्थान के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक अब राजस्थान में विधायक दल की बैठक लेंगे और फिर विधायकों से बातचीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बीजेपी से जुड़े सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रविवार को दोपहर के बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।